गुड मॉर्निंग। जो अब हमारी नेक्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पावर, यानी कि पावर से हम क्या समझते हैं, क्या होता है, किसके पास ये राइट होती है कि वो अपनी पावर शो करें। तो देखिए, जो अपने जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें क्या कहा गया है, मिस्टर पेफेफर जो हैं उन्होंने पावर को क्या कहा गया, पावर इज़ द पोटेंशियल एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर टू चेंज द कोर्स ऑफ इवेंट। यानी कि पावर एक क्या है, आपकी पोटेंशियल एबिलिटी है, किसी भी पर्सन की एक पोटेंशियल एबिलिटी है किस चीज़ के लिए, जो बिहेवियर को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसको चेंज करता है, या किसी इवेंट में हमें किसी भी पर्सन का बिहेवियर चेंज करना है तो जो अपनी पोटेंशियल एबिलिटी होती है उस अकॉर्डिंग हम चेंज कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। टू ओवरकम रेजिस्टेंस एंड टू गेट पीपल टू डू थिंग्स दैट दे वुड नॉट अदरवाइज डू। पावर दिखा के कई बार वो काम करवाना पड़ता है जो वो एक्चुअली में नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो काम करवाना पड़ता है। तो ये पावर जो भी पर्सन के पास होती है, सपोज़ हम लीडर का एग्जांपल लें तो लीडर के पास होती है, और लीडर क्या करते हैं, पावर दिखा के काम करवाते हैं। यहाँ पर बात ये आती है कि हर बार जैसे कि कोई भी सीनियर है या किसी पोजीशन या डेजिग्नेशन पर वो हैं और उनको किसी भी पर्सन से काम करवाना है तो उनको क्या चाहिए कि वो काम करवाएं। देखिए, कुछ सबऑर्डिनेट्स एंड कुछ एम्प्लॉयज़ और कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, तो वो लोग खुद से काम करते हैं। कुछ लोग थोड़ा काम को इतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, थोड़ा बचते हैं, काम को अवॉइड करते हैं, तो उन लोगों से काम कैसे निकलवाना है। तो उनको अपनी पावर, तो कई बार हमें उनको डोमिनेट भी करना पड़ता है काम निकलवाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं वो काम कर देते हैं, तो क्या होता है, किसी भी पर्सन से हमें कोई भी काम करवाना है तो हमें जो हमारा पोटेंशियल पावर है वो इस तरीके से शो करना होता है कि उनका जो बिहेवियर है वो क्या हो, प्रभावित हो, वो चेंज करें उस चीज़ को और वो काम करें जो उनसे कहा गया है करने को। इससे पहले उन्होंने करा है नहीं करा है ये बात एक अलग है, लेकिन उनको यहाँ या संस्था में ये काम करना है ये बात एक टोटली अलग है। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या होते हैं पावर के, जो फीचर्स हैं तो देखिए, पावर रिप्रेजेंट द कैपेसिटी, वो किसी भी पर्सन की कैपेसिटी बताती है, एबिलिटी बताती है, तो पोटेंशियल इन्फ्लुएंस बिहेवियर, किसी भी पर्सन का बिहेवियर को प्रभावित करने के लिए जो उनकी कैपेसिटी होती है कि वो कितना उसको चेंज कर सकते हैं, उनकी जितनी एबिलिटी होती है वो, ऑफ अदर पीपल टू अचीव सर्टेन गोल, किसी भी गोल को अचीव करवाने के लिए हमें किसी भी पर्सन का जो नेचर होता है उसको प्रभावित करने के लिए, उसके बिहेवियर को प्रभावित करने के लिए, चेंजेस लाने के लिए हमें कई बार पावर दिखानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, हमारे घर में छोटे भाई बहन अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो हमें अपनी पावर दिखानी पड़ती है, थोड़ा उनको डराना भी पड़ता है। कई बार हम उन्हें थोड़ा सा लालच भी देते हैं कि तुम्हारे अगर इस साल इतने परसेंटेज बन गए तो हम तुम्हें ये रिवॉर्ड देंगे, यानी कि ये गिफ्ट हम जो है आपको लाकर देंगे। ये वाली जो चीज़ें हैं ये हम हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं ताकि वो अच्छा रिजल्ट लाएं, यानी कि जो एट द एंड जो गोल है वो अच्छी तरीके से उसको क्या करें, अचीव करें। तो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड क्या है, पावर कैन बी पोटेंशियल और इनएक्टेड। पावर जो होती है वो सामने वाले की जो पोटेंशियल होती है, यानी कि वो क्या पोटेंशियल है उनके किसी से भी काम करवाने की, किसी को भी किस तरीके से मोल्ड करते हैं वो कि वो उनका जो टारगेट या गोल है वो अचीव कर सकें। फिर पावर इज़ नाइदर कम्प्लीटली फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये कम्प्लीटली ना फॉर्मल तरीका है और ना ही इनफॉर्मल तरीका है, लेकिन ये क्या है, जुडिशियस मिक्सचर है दोनों का। हमें ये फॉर्मल तरीके से भी करना पड़ता है, इनफॉर्मल तरीके से भी करना पड़ता है, कई बार हमें दोनों को एक साथ मर्ज करके करना पड़ता है, क्योंकि एक साथ काम हमें किसी से भी करवाना है या हम चाहते हैं कि कोई पर्सन है वो हार्ड वर्किंग बहुत है, लेकिन जो टेक्निक उनका है काम करने का वो थोड़ा ऐसा है कि उससे टाइम लगता है कोई भी गोल अचीव करने में, तो हम चाहते हैं कि वो स्मार्ट वर्क करना भी सीखें। तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये हमारे अंदर पोटेंशियल होना चाहिए कि हम उनको किस तरीके से वो काम करवा सकते हैं, वो अच्छी जैसे भी हम उनको मोटिवेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, वो वैसे काम करेंगे या हमें उसके लिए उन्हें डोमिनेट करना पड़ेगा, तो ये डिपेंड करता है। फिर होता है लीडर एक्सरसाइज पावर टू अकम्प्लिश गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो इस चीज़ पे जो पावर होता है उस पर एक्सरसाइज, यानी कि उस पर अध्ययन क्यों करते हैं, वो उनको करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो जो आपका प्री डिटरमाइंड गोल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव कर सकें। लीडर हैव ओनली एज मच एज पावर एज अदर अलाउ देम टू हैव। देखिए, लीडर के पास ओनली वो पावर होती है जो उनको दूसरे अलाउ करते हैं कोई भी काम करवाने के लिए। इफ़ कोई इंसान बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता है, बिल्कुल भी अपने अंदर चेंजेस नहीं लाना चाहता है, उसका कहना ये है कि मैं तो जॉब ही
जो है उससे ही टर्नओवर कर लूँगा, मतलब जॉब छोड़ दूंगा या जो भी है, तो वो इंसान चेंज नहीं होना चाहता, तो उसमें लीडर की पावर कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन क्या होता है ना, जितना लोग पावर लेते हैं उसी अकॉर्डिंग जो है लीडर अपनी पावर शो करते हैं। फिर समटाइम्स अपीयरिंग टू बी पावरफुल इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट बीइंग पावरफुल। क्या होता है, पावरफुल होना भी ज़रूरी होता है, हमें कई बार पावर दिखानी पड़ती है। अगर आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड होते हैं, अगर वो अपनी पावर नहीं दिखाते हैं तो उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो मक्कारियाँ करने लगते हैं। इवन वो मक्कारियाँ इतनी भी बढ़ जाती हैं कई बार कि वो जो है वो लीडर को घोल के पीना चाहते हैं, उन्हीं से काम करवाना चाहते हैं, इवन उनको हर चीज़ पर रोकते टोकते हैं। तो ये चीज़ इस वजह से भी, जब एक पोजिशन पर कोई पर्सन होता है तो उसको अपनी पावर रखना ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ कोई भी उनके नहीं सुनेगा। अब देखिए, वेज ऑफ गेनिंग पावर, किस तरीके से जो पावर है वो गेन कर सकते हैं, इसके कौन कौन से तरीके हैं। रीजनिंग, क्या रीज़न है कि सामने वाला पावरफुल है या उसके पास वो पोटेंशियल है, या अगर वो अपनी पावर शो कर रहा है या पावर गेन करने की कोशिश कर रहा है तो क्या वजह है। जब उनको कोई पोजिशन दी जाएगी, इट्स ऑब्वियस उनको जो भी अथॉरिटी दी गई है उसके लिए उनको उतना पावर रखना पड़ेगा। सपोज़ उनके अंडर में 10 लोग हैं, तो वो 10 लोगों को किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से उनसे काम करवाते हैं, वो लोग उस काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, तो ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है कि वो उनसे किस तरीके से काम करवाएंगे। फिर नेक्स्ट होता है असर्टिंग, मतलब स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, आप हर बार लिबरल और लीनियंट होकर काम नहीं करवा सकते हैं। कुछ लोगों से जब तक हम स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं तो वो काम बिल्कुल नहीं करते हैं, इसलिए हमें टाइम टू टाइम एक स्ट्रिक्ट जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा जो स्ट्रिक्ट एटीट्यूड है, वो सामने वाले को शो करना पड़ता है। फिर एसोसिएटिंग, हमें उनका सहयोग करना भी ज़रूरी है कि जब जब उनको ज़रूरत होती है, हमारे सबऑर्डिनेट्स को जब भी हेल्प की ज़रूरत होती है या कोई काम उनको नहीं आता है तो हमें चाहिए कि हम उनको हेल्प करें, उनका सहयोग करें, उनको अप्रिशिएट करें। फिर नेक्स्ट इसमें आता है आपका बारगेनिंग। यहाँ बारगेनिंग पैसे के लेन देन वाली बारगेनिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ जो बारगेनिंग की बात हो रही है, ये बारगेनिंग मतलब ये है कि हमें हमारे सबऑर्डिनेट्स की भी मानना है और हमारी बात भी मनवाना है। ऐसा भी नहीं है कि हम उन पर काम थोपे जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम उन्हीं उनकी बात माने जा रहे हैं। उन्हीं उनकी बात माने जाएंगे तो हम हमारे टारगेट कैसे अचीव करेंगे। इसलिए जो लीडर होते हैं उनको थोड़ा बार्गेनिंग नेचर टाइप इसलिए रखना पड़ता है कि उनकी भी मानो अपनी भी रखो। अगर आप 4 बात उनकी मान रहे हैं तो आपके अंदर इतना टैक्ट भी होना चाहिए कि वो 8 बार आपका काम करे। फिर नेक्स्ट होता है कॉलिएटिंग, यानी कि मेल मिलाप करना। आपस में जो लीडर होते हैं उनको सभी से एक अच्छा जो एनवायरनमेंट होता है, जो अच्छी सराउंडिंग है, पॉजिटिव और मोटिवेटेड जो एटमॉस्फेयर होता है अपने सबऑर्डिनेट और एम्प्लॉयज़ के लिए, वो क्रिएट करके रखना होता है, इससे उनको पावर भी मिलती है। मेल मिलाप भी ऐसा नहीं है कि आप सबकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, नहीं, मेल मिलाप से मतलब ये है कि आप उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करें। नेक्स्ट इसमें ये चीज़ होती है कि आप उनको ये भी समझाएं कि हमारी संस्था का जो गोल है और जो हमारा गोल है वो कॉमन है, तभी तो हम एक जगह पर हैं। फिर नेक्स्ट होता है कॉप्टिंग, सपोर्ट करते हैं हम हमारे जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको, अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको रिवॉर्ड के लिए बोलते हैं कि जब हम ये काम जो है कर लेंगे या ये जो टारगेट अचीव हो जाएगा तो इस तरीके से हमारी संस्था आगे बढ़ेगी, हम डेवलप होंगे, हमारी पोजीशन बढ़ेगी, एक्स वाई जेड, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर कॉम्पिटिशन रखना बहुत ज़रूरी होता है। कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो हम कभी भी मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं तो हम किस तरीके से काम करेंगे। इसीलिए लीडर के लिए भी ज़रूरी होता है कि वो हमेशा अपने आप को ऐसा समझे कि उसके आसपास बहुत से कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो अपने आप को हमेशा अपग्रेडेड रखे उस चीज़ के लिए, जो भी मार्केट में चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी इंटरनल चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जब हमारे अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पीपल होते हैं, तो सभी का नेचर एक नहीं होता, ना ही सबकी पर्सनैलिटी एक होती है, ना एटीट्यूड एक अलग होता है, और जो उनका परसेप्शन है वो भी सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो कॉम्पिटिशन एक हमारे लिए इंटरनल कॉम्पिटिशन ये है कि हम उन सबको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, आप उनको किस तरीके से कंट्रोल करोगे। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप उनके ऊपर कैसे सख्ती करोगे, आप उनको कैसे किसी भी काम करवाने के लिए मनाओगे, किस तरीके से आप उन्हें काम करवाओगे, किस तरीके से आप उन्हें मोटिवेट करेंगे, किस तरीके से कई बार डोमिनेट आप अगर उनको कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत पड़ रही है और क्यों ज़रूरत, सभी को तो नहीं ना, किसी किसी को, तो क्यों, ऐसा क्या है।
तो ये जो एक कंपटीशन लेवल होता है, या आप इंटरनल एनवायरनमेंट में देखें या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखें, एक्सटर्नल में एनवायरनमेंट में तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारी ब्रांड के कॉम्पिटिटर्स हैं, वो बात एक अलग होती है, वो एक बिल्कुल अलग लेवल है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है पावर की, तो पावर आपको बाहर दिखाने जाने की ज़रूरत नहीं होती है, पावर एक इंटरनल जो सोर्स है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप किस तरीके से अपनी संस्था में काम करवा सकते हैं अपनी पावर दिखाकर। उसके बाद होता है सैंक्शनिंग। लीडर को हमेशा एक ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए कि जब हम संस्था में काम कर रहे हैं, तो अगर कोई भी बंदा डिज़र्व करता है कि उसका उसको मोटिवेट करने के लिए सपोज़ उसका प्रमोशन होना ज़रूरी है, या उसने इतनी मेहनत की है कि वो वाकई में जो प्रमोशन है वो डिज़र्व करता है, तो उसे वो दिलवाया जाए। दूसरी चीज़, बोनस, इंसेंटिव या सैलरी इंक्रीमेंट अगर वो डिज़र्व करता है तो वो दिलवाया जाए, उसको रिवार्ड दिलवाए जाए। जो भी आपके यहाँ फंक्शंस होते हैं, या छोटे मोटे जो मान लीजिए कुछ एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइजेशन रखती है अपनी संस्था में, ताकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्या होता है काम कर करके थक जाते हैं, स्ट्रेस रहता है, या तो उनके लिए एक किसी भी दिन वो ऐसी एक्टिविटीज़ या गेमिंग्स रखते हैं कि वो लोग थोड़ा रिफ़्रेश हो जाते हैं अपने आप में वो गेम में, या उनका जो दिमागी टेंशन होता है थोड़ा रिलीज़ हो जाता है। तो क्या होता है, जब ऐसे टाइम पे आपने कोई अवार्ड या रिवॉर्ड फंक्शन रखा है, या स्पेशली कोई अवार्ड रिवॉर्ड फंक्शन रखा है, तो लीडर यानी कि जिनके पास पावर है, तो उनको ये भी चाहिए कि वो उनको रिवॉर्ड और अवार्ड दें। सिर्फ बातों से हर जगह मोटिवेशन नहीं होता है, हमें उनको सैलरी भी बढ़ा के देनी होती है, हमें सारे अगर नॉर्म्स, देखिए हर संस्था नॉर्म्स पूरे करती है, तो जो नेचर है वो ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये पर्सन डिज़र्व करता है, इसको ये दिया जाए। हर बार ये नहीं होता है कि मैं लीडर हूँ, मैंने काम करवाया है, तो सब कुछ मेरे साथ ही हो। आपके साथ भी डेफिनेटली होगा और होता भी है, लेकिन सबऑर्डिनेट्स का भी इस चीज़ में ध्यान रखना होता है। फिर होता है प्रेशराइजिंग। ये तो हर जगह ही होता है, और आज के एरा में ये तो हर जॉब में हो रहा है। प्रेशर बहुत होता है काम का, तो कुछ लोग मतलब पहले जितना कंपैरिजन करें अगर अपन एम्प्लॉयज़ का, तो पहले और अभी में काफ़ी डिफरेंस है। और अभी और पहले में डिफरेंस जो है वो ये है कि प्रेशर की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं जॉब छोड़ रहे हैं, क्योंकि पहले के लोग टॉलरेट भी करते थे, और पहले इतना प्रेशर भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि पहले जो कॉम्पिटिशन था इतना ज़्यादा नहीं था, पहले कंपैरिजन इतना नहीं था, पहले कोई भी लाइफस्टाइल पे इतना फोकस नहीं करता था, सब अपनी बेसिक नीड्स पूरी करके सर्वाइव करते थे। लेकिन आज के डेट में सबको लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड, क्लास, सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए क्या होता है ना, वर्किंग जो एटीट्यूड है वो भी काफ़ी चेंज हो गया है, और हर जगह काम के लिए भी प्रेशर होता है, कहीं पर प्रेशराइज भी किया जाता है, और कहीं कहीं पर नहीं भी किया जाता है, तो कई बार ज़रूरी भी होता है थोड़ा प्रेशर देना। फिर उसके बाद होता है बीइंग ऑन हायर लेवल। जाहिर सी बात है, यहाँ हम पावर गेनिंग की बात कर रहे हैं, तो पावर गेन वर्कर तो करेगा नहीं। यहाँ जो हायर लेवल पे है, उनको अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहिए कि उनको एक हायर लेवल का काम भी दिया जाए तो वो उसको अच्छे से संभाल लें। ये जो है, ये अपनी इंटरनल क्वालिटीज़ होती हैं, ये इंडिविजुअल अपने अंदर चेंज कर सकता है। और किसी भी पर्सन को जो पावर रखना चाहता है, तो उसको सही सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो उस पोजिशन, उस डेजिग्नेशन पर हो, तभी वो ये सब काम क्या करेगा, अपने अंदर डेवलप करके किसी से भी काम करवा सकता है। ये जो टॉपिक है अभी ख़त्म नहीं होता है, इसके और भी पॉइंट्स हैं जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।